बॉलीवुड की फिल्मों में पुराने समय से ही रेप सीन होते आए हैं। पुरानी फिल्मों की कहानी ज्यादातर ऐसी ही होती थी जिसमें विलेन हीरो की बहन का रेप कर देता था और फिर हीरो बदले की आग में सभी को मार देता था। अब ऐसे में आपने उस दौरान की बहुत सारी ऐसी फिल्म देखी होंगी जिनमें रेप सीन हुआ करता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की वो कौन सी एक्ट्रेस है जिन्होंने फिल्मों में सबसे ज्यादा रेप सीन किए हैं? अगर नहीं जानते तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उसी हीरोइन के बारे में जिसने फिल्मी दुनिया में सबसे ज्यादा रेप सीन किए थे। लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। मैं हूं रिजवान खान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो आइए अब जानते हैं इस एक्ट्रेस के बारे में। जी हां, आज हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है नाजिमा और उन्हें बॉलीवुड के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में शुमार किया जाता है। सन 1972 में एक फिल्म आई थी बेईमान। इस फिल्म में नाजिमा को उनकी दमदार एक्टिंग के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। अभिनेत्री नाजिमा ने लगभग 30 फिल्मों में काम किया था। इस एक्ट्रेस का फिल्मी करियर काफी शानदार रहा था, लेकिन महज 27 साल की उम्र में ही कैंसर की वजह से इस एक्ट्रेस की मौत हो गई थी। दरअसल नाजिमा ने अपनी फिल्मी करियर में ज्यादातर फिल्मों में हीरो की बहन का रोल निभाया था, जिसकी वजह से उन्हें इंडस्ट्री में बॉलीवुड की बहन भी कहा जाता था। नाजिमा अपनी कामयाबी से खुश तो थी, लेकिन उनके मन में एक ही बात खटकी थी कि डायरेक्टर ने उन्हें लीड रोल में नहीं लिया। वैसे नाजिमा को बनना तो हीरोइन था, लेकिन वो बन गई बहन। नेक्स्ट नाइन लाइव न्यूज रूम रिपोर्ट।